गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में क्लास टू फिर से आप लोगों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं पिछले वीडियो में आप लोगों का वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर करा चुकी हूँ। आज आप लोगों का होगा खाली जगह भरिए। खाली जगह को भरना है आप लोगों को। फर्स्ट में है नमाज अल्लाह की डैश का जरिया है, तो यहाँ होगा नमाज अल्लाह की रजामंदी का जरिया है। सेकेंड में है उसकी उम्र में भी डैश होती है, तो यहाँ होगा बरकत होती है, उसकी उम्र में भी बरकत होती है। थर्ड में है नमाज अल्लाह को बुरे डैश से रोकती है, तो यहाँ होगा नमाज अल्लाह को बुरे कामों से रोकती है। फोर में है नमाजी की डैश में बरकत होती है, यहाँ होगा नमाजी की रोजी में बरकत होती है। यहाँ सही जोड़े बनाइए। इबादत करने का तरीका इसका सही होगा, मैच होगा, नमाज कहलाता है। इबादत करने का तरीका नमाज कहलाता है। पांचों वक्त की नमाजें फर्ज की है, वह किसी को यहाँ होगा बेवजह नहीं सताता, वह किसी को बेवजह नहीं सताता। फोर्थ वाला है बच्चों आप भी नमाजी बनिए, सभी बच्चे मैच करेंगे। फाइव वाला है नमाज खुदा के खौफ का जरिया है। यहाँ है दर्ज ज़ेल अल्फाज की जमा लिखिए। इबादत का होगा इबादतें, वक्त का होगा वक्तें, नमाज का होगा नमाजें, बंदा का होगा बंदे, फर्ज का होगा फर्जें, जरिया का होगा जरिए, इंसान का होगा इंसाने, खास का होगा खासें। यहाँ है अल्फाज दुरुस्त करिए कीजिए, अल्फाज दुरुस्त करना है। यहाँ है खास, तो ये खास गलत लिखा हुआ है, इसको सही यहाँ पे लिखा हुआ है खास, ऐसे खास होगा। फिर यहाँ है नाजिल, ये नाजिल गलत है, यहाँ पे सही किया हुआ है। यहाँ है इबादत, ये गलत है, यहाँ ये इबादत को सही करके यहाँ लिखा हुआ है। सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में नोट करेंगे और बुक में भी भरेंगे। यहाँ है खुश, यहाँ सही लिखा हुआ है। तो बच्चों आप अपनी अपनी बुक में इसको फील करिए और कॉपी में लिखिए और याद करिए। थैंक यू।